जो योग करेगा उसको कोई नशा करने की इच्छा नहीं होगी, और जो योग नहीं करेगा वो दारू पिएगा, वो वाइन पिएगा, और कुछ नहीं तो क्या होता है, बियर, गुटखा खाएगा, मसाला खाएगा, और फिर कहेगा, हाथ जुड़ेगा, फिर पैर पड़ेगा, रोएगा, स्वामी जी बचा लो, अब छूटता नहीं, अब छूटता नहीं। अच्छा, बुरी चीजों की सबसे बुरी बात क्या है? बुरी चीजों की सबसे बुरी बात यह है कि इस आदमी बुरा मानता है फिर भी छोड़ करके भी छोड़ना चाहे तब भी नशा मुक्ति के लिए। कितने लोगों का नशा छूटा है, ईमानदारी से बोलना, जिनका नशा छूटा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, चिलम, चरस, भांग, अफीम तक छोड़ देते हैं लोग, क्या छूटा भाई इसका पूछना, तीन तो यही है, अब तो मजबूत सा हो गया, छूट जाते हैं नशा। भाई साहब का भी उधर छूटा हुआ है, क्या छूटा भाई साहब? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ। सर, मैं पहले बीड़ी, सिगरेट, खैनी, सुल्फा, भांग, धतुरा, गुटखा, मैं बाबू के साथ में भी पीता था पहले। हाँ? जी जी, और उसके बाद फौज में भर्ती हो गया, तो फिर फौज में तो वहाँ दारू मिलती, मीट भी मिलती, फिर हफ्ते में जो है शुरू शुरू भर्ती होके गया, तो एक कमांडेंट थे, वो बैठ गया, बोला तू भर्ती होके आया? अब बोला पीता है? मैंने कहा हाँ पीता हूँ। तो बोला पी के दिखा, तो मैंने बिना पानी के पी दिया 2-3 पैक। फिर उसके बाद चेक करा तो बोला ड्यूटी भी कर सकता है? मैंने कहा हाँ। तो इतना पीता था मैं सुबह से शाम तक बाबा जी, पीते 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 पीते, और तभी सोता था, और नहीं सब कुछ करता था, ड्यूटी भी करता था, अरे पीते पीते ही सो जाता था रात को? नहीं नहीं, हाँ पीते पीते तो सोता ही था रात को, लेकिन दिन भर पीता था, सुबह से शाम तक पीता था। जी जी जी। क्या नाम है? बीरेंद्र सिंह नेगी। ये चंद्रमोहन जी के पिताजी? जी जी जी, चंद्रमोहन। इसका बेटा मेरा शिष्य बन गया, और ये बाप भी चेला बन गया, और बेटा तो सन्यासी बना रहा है। ले लो, सारे से नशे करता था, पूरा नशा। तेरे को तो अभी इंडिया टीवी पर ही लेके जाऊंगा। ठीक है स्वामी जी। इतना नशा करने वाला, बीड़ी, सिगरेट, शराब, सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, जो हो सकता है सब पिया। तो कहते हैं धतूरे से आदमी पागल जैसा हो जाता है, तेरे को नहीं होता था? नहीं, बीच में थोड़ा क्रांतिकारी विचारधारा का था मैं, तो फौज में थोड़ा जहाँ पर भ्रष्टाचार होता था मैं थोड़ा आवाज उठाता था, तो बाद में फिर बोले ये तो पूरा बोला मैं ज्यादा नेता बन रहा, तो मेरे को 10 नंबर बना करके घर भेज दिया पेंशन। अब मैंने कहा ठीक है पेंशन आ गया, तो फिर 2010-11 में आपका दिल्ली में रामलीला मैदान में फर्स्ट आंदोलन हुआ था, तो उसमें पहुंच गया। नहीं, मैं वहां गया था स्वामी जी, क्या बोलते हैं, दवा लेने दिल्ली। अच्छा। में आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा जो है दिल्ली में हॉस्पिटल है उसका, तो वहां गया था, तो वहां से भी ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैंने कहा स्वामी जी से एक सब कपाल भाती करो, एक बार जाता हूँ, मिलता हूँ रामलीला मैदान में, तो आपके भाषण सुने मैंने। हा? तो आपके भाषण सुन करके मेरे दिमाग के अंदर घुस गया, मैंने कहा ये स्वामी जी या बाबा जी कुछ कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है फिर वहाँ से घर आया, फिर संगठन से जुड़ा, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ आया, यहाँ आने के बाद जो है शिविर किया, फिर योग किया, प्राणायाम किया, फिर धीरे धीरे नशा छूट गया। कितने दिन हो गए अब छोड़े हुए? छोड़े हुए कसम 2010 में पेंशन आया मैं स्वामी जी। हाँ। और उसके बाद 11-12 में ऐसी घर में जो है थोड़ा घूमा, फिर 13-14 से फिर और योग प्राणायाम। कितने दिन से छूट गया टोटल? टोटल 2014-15 से छूट गया स्वामी। 14-15 से पूरा छोड़ दिया। लो, इतना नशा करने वाला आदमी, देखो ये एक बात बताता हूँ मैं, इसलिए पहले मैं नशा करने वाले आदमी को ना ऐसे मानता था, अरे क्या बेकार आदमी, अब मैं नशा करने वाले को भी, नशा से तो देखो मेरा प्रेम नहीं है, लेकिन नशा करने वाले से प्रेम, उसको कहता हूँ अरे ठीक है छोड़ देना, तो कितना अच्छा आदमी। अच्छा, नशा करने वाले मैंने देखा जिसको भी पकड़ लेते हैं, नशे को भी पकड़ के रखते हैं तो जोर से, और गुरु को भी पकड़ लिया तो जोर से पकड़ के रखते हैं। जोरदार अभिनंदन है इसका, छोड़ दिया सारा, अब गुरु को पकड़ लिया, बाकी सब छोड़ दिया। ऐसे ही छूटता है लोगों का नशा, बहुत लोगों ने छोड़ा है। चलो बहुत आशीर्वाद, बैठ। धन्यवाद स्वामी जी। अब तो सब कुछ ही बोला, अब स्वामी जी के लिए करना है, और कुछ ध्येय नहीं बचा, नशा छूट जाता है। आज जिनका नशा छूटा है उनको सबको मैं इंडिया टीवी के कार्यक्रम के लिए यही करेंगे, पतंजलि वेलनेस का ये जो मुख्य हॉल है सामने जहाँ ओपीडी चलती है, वहाँ पर करेंगे, श्रद्धालय के सामने। श्रद्धा से भक्ति से भी नशा छूटता है, ये भी एक नशा है योग का, छोड़ नहीं पाता है।
ये बुरी चीजों की सबसे बुरी चीजें बुरी हैं, वो तो बुरी हैं ही, वो इसलिए भी बुरी हैं कि छूटती नहीं। एक बार जिसको ड्रग लेने की आदत पड़ गई छूटती नहीं। और मैं एक बात, बहुत दिन हो गए इस बारे में बोला नहीं, आज इंडिया टीवी पर भी मैंने कार्यक्रम रखा है, जरा हिला लो पैरों को, हाँ थोड़ा हिला लो। रोग मुक्ति के साथ नशा मुक्ति के लिए भी मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ, आप में से मैं पूछूंगा यही पता लग जाएगा। मैंने अपने सारे शिविरों में ये काम किया है, लाखों लोगों की। पहले तो मैं कार्यक्रम ही करता था, शिविर के बाद झोली लेके घूम जाता था, बड़े बड़े अफीम ची चिलम ची। एक बार तो मैंने कुंभ में ही चिलम दान अभियान शुरू कर दिया, बाबाओं की चिलम ले ली मैंने। बाबाओं की चिलम लेना सबको छूट जाए, चिलम नहीं छूटती। क्यों जी महाराज जी, साक्षी जी, चिलम ले ली मैंने बाबाओं की। मैंने कहा महाराज सब कुछ छोड़ दिया तो चिलम मुझे दे दो, अब बाकी दूसरा कोई चिलम मांगे तो उसकी खैर नहीं, लेकिन हम बाबा एक ही बिरादरी। मैंने कहा महाराज आपने सब घर परिवार संसार सब कुछ छोड़ दिया तो चिलम के चिलम मुझे दे दो, बोले इससे क्या फायदा होगा। मैंने कहा आप महाराज आप साधु हो, आपको देख करके दूसरे भी पीने लगते हैं, जवान लड़के लड़कियाँ, आप चिलम पी तो फिर वो कई तरह के ड्रग लेते हैं कि बाबा लोग भी पीते हैं, बढ़िया ही चीज होगी। तो मेरे कहने से सैकड़ों महात्माओं ने प्रयागराज में चिलम दान कर दिया, अभिनंदन उन महात्माओं का। जटाजुट एकदम भूत लगाए, एकदम शिव रूप है, लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं अटक गई थी बीच में। मैंने कहा छोड़ो महात्मा जी इसको भी, एक बात आपसे कहता हूं, योगग्राम निरामय में भी मेरे पास ऐसे आए, क्या लेते हो ये छोटे छोटे ड्रग के बाद क्या आगे, स्मैक। स्मैक लेने वाले आकर के छोड़ दिए। एक तो इधर मुजफ्फरनगर का है, मेरठ का था, बोलो बाबा जी स्मैक के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था, मरना मंजूर है, स्मैक नहीं छूटेगी। और बोले यहां आकर के मेरी तो एक दिन तो थोड़ी सी तलब सी उठी, और दूसरे दिन पता नहीं आपने क्या है, सुबह उल्टी करवाते हो, जल नीति सूत्र नीति, फुर्सत ही नहीं दी आपने, नीचे से बस्ती ऊपर से सिरोधारा, फिर मसाज, फिर क्या क्या काढ़े कूढ़े पिए, मेरी तो कब वो समय छूट गई, सबने सुना हुआ उसका, खूब उस बोल के गया, चैन स्मोकर चैन ड्रिंकर सुबह से शाम तक, कुछ लोग तो उठते ही दारू पीना शुरू करते हैं, उनकी शुरुआत उसी विषपान से होती है, अमृतपान नहीं करते वो। तो जो भी नशा छोड़ना चाहते हैं और छूटता नहीं है वो मेरे पास आ जाए, उनका नशा छुड़वा दूंगा, कैसा भी नशा हो, एकदम पक्की बात। ये रोग मुक्ति के साथ नशा मुक्ति केंद्र भी है ये, बड़ा जबरदस्त। और इसमें भी धरती पर जितने सबसे बुरे काम है ना, ये आदमी ज्यादा करते हैं, स्मैक लेने वाले, ड्रग लेने वाले 90%, 99%। अभी तो थोड़ी शहर वाली पीने लग गई, पहले नहीं पीते थे। पहले ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा गांव में एक चमेली थी, एक और फिर कुछ दूसरी का पता नहीं क्या नाम था, वो सूंघती थी। मैंने कहा माँ ये सूंघती क्या है, बोले बेटा ये तम्बाकू सूंघती है। ज्यादा से ज्यादा तम्बाकू सूंघ लेती थी, और एक आधी चिलम चुलम या उक्कड़ बड़े पीते थे हुक्का, और ये लेडीज पीती थी, और वो भी मतलब जिनको मतलब सारे गाँव ने बहिष्कृत कर रखा हो वो पीती थी कड़ी, छोटी वाली हुक्का का जो बच्चा होता है उसको। लेकिन ये सब जो भी छोड़ना चाहते हैं नशा वो भी छूट जाता है। अच्छा आप में से कितने लोगों का गुटखा सिगरेट चिलम, एक तो वहां से आया आगरा से, बोले स्वामी जी मेरी तो सुबह से शाम तक 10 डिब्बी सिगरेट पी जाता था, 10। निरामय में आया था पिछले साल, नाम इस समय थोड़ा भूल रहा, मैंने इंडिया टीवी पर भी उसको दिखाया था, बोले बाबा जी पूरी छूट गई, आने के बाद छूट गई, क्योंकि आप बुलाते हैं ना, चेक करते हो ना सबके झोले, हाँ कुछ लोग तो छिपा के ले आते, हाँ कि जब मौका मिलेगा तब पी लेंगे। यहाँ बीड़ी सिगरेट चाय कॉफी सब वहीं निकाल लेते हैं एंट्री गेट के ऊपर ही,